11th graders, I hope you all are safe and sound and taking all the COVID measures, and I hope you must be studying regularly because exams आने वाले हैं और हमें सारे exams ace करने हैं अच्छे marks के साथ. So how will we able to ace all the exams? Of course through Unacademy, which is the largest learning platform in India. So Unacademy पे आपको जो भी कोर्स पढ़ना है, whether you want to study math, science, SST, Hindi, English, आप Unacademy के ऐप पे एनरोल कर सकते हो because Unacademy offers you courses from class 1 to class 12 किसी भी सब्जेक्ट पे. इसके अलावा if you want to prepare for some competitive exams like JEE Mains या UPSC या UGC NET, NEET, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम है आप प्रिपेयर कर सकते हैं Unacademy के थ्रू बिकॉज Unacademy इन सब चीज़ों पे भी कोर्सेज ऑफर करता है. एंड नॉट ओनली दिस, यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया बिकॉज Unacademy पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जो एजुकेटर्स होते हैं, वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स होते हैं एंड दीज एजुकेटर्स आर हाईली क्वालिफाइड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड. यानी जो सब्जेक्ट के एजुकेटर्स पढ़ाते हैं उसमें वो बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं. मैं Unacademy के बेनिफिट्स यहाँ पे बताती चली जाऊंगी बट वो कभी ख़त्म नहीं होंगे बिकॉज Unacademy एक प्लेटफॉर्म है लेकिन इतने सारे बेनिफिट्स हैं. तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जस्ट डाउनलोड द Unacademy ऐप एंड एनरोल योर सेल्फ टू एनी ऑफ द कोर्स ऑफ योर चॉइस. आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप उसमें एनरोल कीजिए. प्लस Do not forget to use my code PJAIN10 because if you use my code PJAIN10 then you straight away get 10% discount. जी हाँ, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको सीधा सीधा 10% डिस्काउंट मिलता है. आप जो भी कोर्स पढ़ना चाहते हैं उसके ऊपर, आपको फर्स्ट से लेकर 12th तक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना हो या फिर आपको कोई कंपेटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना हो, ये 10% डिस्काउंट आपको हर कोर्स पे मिलेगा. तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है Unacademy के थ्रू, इसको बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए. जस्ट डाउनलोड द Unacademy ऐप, एनरोल योर सेल्फ टू एनी ऑफ द कोर्स ऑफ योर चॉइस एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड PJAIN10 विच इज ऑल्सो मैंशन एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन. Now, before we start with the last chapter of geography, which is life in the deserts, let me tell you something about myself. So, my name is Pratiksha Jain and I'm one of the educators at Unacademy. I teach social science to class 7. I have done my BA in psychology and I have graduated from Delhi University. So, ye to thi mere bare mein thodi si aapko details. Ab hum start karenge apne chapter ke saath. Life in the desert, which is the last chapter of geography, 7th standard. जैसा कि ये नाम सजेस्ट करता है, life in the desert, यानी रेगिस्तान के अंदर कैसी जिंदगियां होती हैं, डेजर्ट के अंदर कैसी लाइफ होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. क्या चैलेंजेस होते हैं, किस टाइप की लाइफ होती है, सब कुछ हम इस चैप्टर में डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे. बट उससे पहले, लाइक आई डू इन ऑल माई प्रीवियस वीडियोज, लाइक आई हैव डन, और जो मेरे पहले के व्यूअर्स हैं उन सबको पता है मैं अब क्या करने वाली हूँ. बट जो नए व्यूअर्स हैं, लेट मी टेल यू, मेरा ऐसा मानना है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का पहले हमें मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि क्या होएगा, 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हम पढ़ के एग्ज़ाम दे आएंगे और मार्क्स भी हमारे बहुत अच्छे आ जाएंगे. बट हमारी नॉलेज कम्प्लीट तब तक नहीं होगी जब तक हमें ये पता ना चले कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं यानी कि ज्योग्राफी, उसका मीनिंग क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है. सो लेट मी टेल यू, ज्योग्राफी डिराइव्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स जो कि है जियो एंड ग्राफी. तो जियो का ग्रीक लैंग्वेज में मतलब होता है अर्थ एंड ग्राफी का ग्रीक लैंग्वेज में मतलब होता है राइटिंग. तो एक तरह से हम समझ सकते हैं राइटिंग्स अबाउट द अर्थ या अर्थ के डिस्क्रिप्शंस is what geo and graphy means respectively. But when I combine these two words and make it one word, that is geography, तो geography का meaning होता है study of the earth. यानी कि earth से related कुछ भी, whether oceans, continent, climate, weather, flora, fauna, vegetation, कुछ भी earth से related A to Z अगर हम किसी subject में पढ़ते हैं तो that is geography. हम geography में earth से हर अर्थ की सारी रिलेटेड चीज़ें, अर्थ पे क्या होता है, अर्थ के इनसाइड क्या होता है, हम सब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं.
सो नेक्स्ट टाइम वेन यू ओपन योर ज्योग्राफी बुक्स या फिर जब आप कभी अपने फ्रेंड्स से सुनो ज्योग्राफी का ये चैप्टर बचा या ज्योग्राफी का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, आपको क्लिक होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है इसका मीनिंग क्या होता है. एंड इफ समवन इज सेइंग और टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी दैट इज टू से वो कुछ अर्थ से रिलेटेड ही डिस्कशन चल रहा है, बिकॉज ज्योग्राफी इज ऑल रिलेटेड एंड इट इज ऑल अबाउट आवर डियर अर्थ. सो आई होप ज्योग्राफी का मतलब आपको क्लियर होगा. And now we move to our chapter which is life in the deserts. यानी कि desert के अंदर कैसी life होती है, क्या challenges होते हैं, किस type की life होती है या किस type के deserts होते हैं, ये सब हम इस chapter में cover करेंगे. But उससे पहले बहुत ज़रूरी है हम ये जान लें कि deserts क्या होते हैं. So deserts ऐसे एक region होते हैं जो बहुत arid होते हैं, यानी कि बहुत dry होते हैं. एरिड या ड्राई का मतलब होता है ऐसे एरियाज में जो है बहुत कम रेनफॉल होती है, यानी कि यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है. एंड बिकॉज यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, यहाँ पे जो वेजिटेशन है यानी कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है या यहाँ पे जो क्रॉप्स उगती है, जो प्लांट्स होते हैं, जो वेजिटेशन होती है इस एरियाज में वो भी बहुत कम होती है. बिकॉज कम रेनफॉल होगी तो प्लांट्स या जो वेजिटेशन है वो भी बहुत कम होगी. सो फर्स्ट इट इज अ वेरी ड्राई रीजन क्योंकि रेनफॉल कम होती है इसलिए यहाँ पे बहुत ही स्कैंटी वेजिटेशन यानी कि बहुत ही कम वेजिटेशन होती है. अब हम बात करते हैं डेजर्ट पे किस टाइप का टेम्परेचर होता है. सो या तो डेजर्ट में बहुत हाई टेम्परेचर हो सकता है या फिर डेजर्ट में बहुत लो टेम्परेचर हो सकता है. एंड एज द टर्म सजेस्ट हाई टेम्परेचर यानी वो हॉट डेजर्ट है. जहाँ पे हॉट डेजर्ट्स होंगे, जो भी हॉट डेजर्ट होगा वहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत हाई होगा. और जो भी लो टेम्परेचर वाले डेजर्ट्स होंगे यानी कि वो कोल्ड डेजर्ट्स होंगे. एक जब हम डेजर्ट वर्ड सुनते हैं तो एक हमारे माइंड में एक प्री कंसीव नोशन आता होगा, आपके मन में भी आता होगा कि डेजर्ट मतलब दूर दूर तक मिट्टी, यानी जहाँ तक नजरें घुमाओ वहाँ तक सिर्फ सैंड ही सैंड दिखेगी. अभी कंसेप्शन कितना सही है कितना गलत है ये तो हमें इस चैप्टर को करते करते समझ आ ही जाएगा. वेदर इट्स अ मिथ और वेदर व्हाट आर द फैक्ट्स, तो हम फैक्ट्स को एनकाउंटर करेंगे, हम अपने मिथ्स को ब्रेक करेंगे. वील डू ऑल ऑफ दैट इन इन दिस चैप्टर. बट अभी हमें ये समझना है डेजर्ट क्या है. तो डेजर्ट इज अ वेरी ड्राई रीजन क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है. प्लस इट हैज वेरी स्कैंटी वेजिटेशन यानी कि वेजिटेशन भी बहुत कम होती है. एंड टेम्परेचर के बेसिस पे डेजर्ट दो टाइप के हो सकते हैं, दैट इज हॉट डेजर्ट एंड दैट इज कोल्ड डेजर्ट. अब हमने पढ़ा हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट क्या है, बट अब हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि हॉट डेजर्ट्स में क्या होता है, हॉट डेजर्ट्स के क्या फीचर्स होते हैं, यहाँ क्या फ्लोरा फौना होती है, और हम कोल्ड डेजर्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे. तो हॉट डेजर्ट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल, एक केस स्टडी कंसिडर करेंगे, दैट इज सहारा डेजर्ट. सहारा डेजर्ट बहुत एक हॉट, एक टाइप का हॉट डेजर्ट होता है. एंड सहारा डेजर्ट के थ्रू हम समझेंगे हॉट डेजर्ट्स के फीचर. वहीं जब हम कोल्ड डेजर्ट की बात करेंगे तो हम लद्दाख के थ्रू ये समझेंगे कि कोल्ड डेजर्ट के क्या फीचर्स होते हैं. एंड लद्दाख हमारे इंडिया का ही एक डेजर्ट है, यानी कि हम एक डेजर्ट बाहर का कंसिडर करेंगे, आउट ऑफ इंडिया का कंसिडर करेंगे, और एक डेजर्ट जो है हम अपने इंडिया का ही कंसिडर करेंगे. अब इन डेजर्ट्स के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, तो हम दोनों हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स के क्लाइमेट को देखेंगे, हम यहाँ की फ्लोरा एंड फौना को समझेंगे, यानी किस टाइप के यहाँ पे प्लांट्स एंड ट्रीज उगते हैं, किस टाइप के एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं, और लास्टली वील टॉक अबाउट द पीपल हु लिव इन दीज डेजर्ट्स, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट. और ये करेंगे हम दो एग्जाम्पल्स के थ्रू, दैट इज हॉट डेजर्ट्स के लिए हम सहारा डेजर्ट कंसिडर करेंगे एंड कोल्ड डेजर्ट के लिए हम लद्दाख कंसिडर करेंगे. मूविंग अहेड विद सहारा डेजर्ट, तब क्या होता है, अर्थ का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है. और जैसे कि मैंने अभी कहा, सहारा डेजर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉट डेजर्ट, यानी कि यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर रहता है. सो सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन अर्थ विद एन एरिया ऑफ 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. मैं इसका एरिया बोलते बोलते थक गई, आप जस्ट इमेजिन करो ये कितना बड़ा, कितना वाइड स्प्रेड डेजर्ट होगा. अगर मैं इंडिया की बात करूं तो पूरे इंडिया का एरिया भी समवेयर अराउंड
3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के कुछ आसपास, बट यहाँ पे तो एक डेजर्ट का एरिया ही इज मोर देन 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इसका मतलब है इस डेजर्ट में अराउंड 2 से 3 इंडिया समा सकते हैं पूरे पूरे। 2 to 3 इंडियाज कैन एंटायरली फिट इन दिस डेजर्ट। ये डेजर्ट इतना बड़ा है एंड दैट इज वाई इट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन अर्थ फॉर अ रीजन। तब ये डेजर्ट कहाँ है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है एंड इट कवर्स 11 कंट्रीज, यानी कि ये 11 कंट्रीज के अक्रॉस इट इज वाइड स्प्रेड, 11 कंट्रीज को ये कवर करता है। तब ये 11 कंट्रीज कौन सी है? लेट्स सी। तो पहली है मोरक्को, देन इट इज टूनीसिया, देन इट इज अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट, सुदान, चड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया एंड वेस्टर्न सहारा। दीज आर द 11 कंट्रीज विच वेयर सहारा डेजर्ट स्प्रेड्स। ये कुछ 11 कंट्रीज हैं एंड सहारा डेजर्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर डेजर्ट। कैसे? क्योंकि सहारा डेजर्ट हैव ग्रेवल प्लेन्स, इट हैज एलिवेटेड प्लेटोस एंड इट हैज बेयर रॉकी सरफेस। कहने का मतलब ये है, पहले हम बात करेंगे ग्रेवल प्लांट्स क्या होता है। सो ग्रेवल प्लांट्स, ग्रेवल क्या होता है? ग्रेवल का मतलब होता है बजरी। बजरी, यस, आई एम श्योर आपके घर के पास कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा या कभी आपका खुद का कभी कोई घर बन रहा होगा। यू नो इफ यू वुड हैव बीन शिफ्टिंग फ्रॉम वन हाउस टू अनदर, या हो सकता है आप बचपन में बजरी के साथ खेले भी हो। सो बजरी क्या होता है? जो नॉर्मल हमारी जो मिट्टी होती है उससे भी एक रफ सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं बजरी, जो कि कंस्ट्रक्शंस में बहुत काम आता है। इट इज ईजिली अवेलेबल एंड विजिबल एट कंस्ट्रक्शन साइट। तो यहाँ पे सहारा डेजर्ट में क्या होता है, बहुत दूर दूर तक बजरी की लेयर होती है, बजरी के प्लेन्स होते हैं, बजरी के जो सैंड जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बट वो सैंड से भी ज्यादा रफ होते हैं और सैंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे थोड़े बड़े होते हैं। इट्स बेसिकली रॉक्स का मिक्सचर, बहुत सारी रॉक्स का काफी बारीक मिक्सचर होता है बजरी। एंड सहारा डेजर्ट हैज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एलिवेटेड प्लेटोज। एलिवेटेड प्लेटोज अब क्या होते हैं? तो जैसे सपोज ये लैंड है, तो यहाँ पे ऐसे इरेगुलर शेप के एक लैंड फॉर्म्स निकले हुए होते हैं, एलिवेटेड होते हैं, यानी जो डेजर्ट का सर्फेस है उससे थोड़े से ऊपर होते हैं, उन्हें कहते हैं एलिवेटेड प्लेटोज। प्लस यहाँ पे रॉकी सर्फेस भी बहुत ज्यादा होता है, तो रॉकी मतलब चट्टानों का सर्फेस, यहाँ पे बहुत सारी रॉक्स भी मिलती है। तो एक जो हमारा जो मिसकंसीव्ड या प्री कंसीव्ड जो एक नोशन था कि डेजर्ट मतलब दूर दूर तक सिर्फ मिट्टी होती है और हो सकता है सैंड ड्यून्स हैं, वो सहारा डेजर्ट ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ तो नॉट एग्जैक्टली सैंड है बट ग्रेवल प्लेन्स है, यानी बजरी के लंबे लंबे मैदान है, दूर दूर तक बजरी ही बजरी है। फिर यहाँ पे प्लेटोज भी हैं, प्लस यहाँ पे रॉक्स भी हैं, तो इट्स नॉट जस्ट एंटायरली सैंड, यहाँ पे बहुत सी दूसरी चीजें भी मिलती है। नाउ वी टॉक अबाउट सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट, यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है। सो सहारा डेजर्ट इज एक्सट्रीमली हॉट, यहाँ पे स्कॉल्चिंग हॉट स्कॉल्चिंग हीट आती है सन की, यानी कि ये बहुत ही गर्म एरिया है। एंड बिकॉज ये बहुत ही गर्म एरिया है, ये बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, इट हैज़ वेरी शॉर्ट रेनी सीजन एंड इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, एंड बिकॉज इट इज़ हॉट इट इज़ वेरी ड्राई ऑल्सो। तो अगर कोई पूछे आपसे कि सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है, तो सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट इज हॉट एंड ड्राई, बिकॉज यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। देन यहाँ जो स्काई होता है वो क्लाउडलेस होता है, यानी कि दूर दूर तक कोई क्लाउड्स नहीं होते। एंड अगर आप इस इमेज को भी कंसिडर करेंगे तो यहाँ पूरे स्काई में एक भी क्लाउड आपको देखने को नहीं मिल रहा। ये एक इमेज सहारा डेजर्ट की भी है, पूरा स्काई इज ब्लू, एक नीला गगन आसमान हमें यहाँ देखने को मिलता है, बट दूर दूर तक एक भी बादल नहीं है, स्काई इज कम्प्लीटली क्लाउडलेस। अब यहाँ की अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो दिन में यानी कि डे टाइम पे द टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमने ये साइंस में पढ़ा होगा आपने कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 का आधा 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे इतनी
हीट होती है, इतना हॉट टेम्परेचर होता है कि 50 डिग्री सेल्सियस तक तो यहाँ दिन के टाइम पे टेम्परेचर ही होता है। मतलब इंसान जो है वो आधा तो गर्मी के कारण ही पिघल जाता होगा यहाँ पे। और अगर हम नाइट टेम्परेचर की बात करें तो नाइट टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब नाइट में तो पूरी बर्फ टाइप सी ही जम जाती है और डे में इज 50 डिग्री। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा मिस्टीरियस सा कॉन्सेप्ट नहीं है कि डे में तो इट्स 50 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट में इट्स 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम समझेंगे कि ये कैसे होता है। सो लेट मी टेल यू, सपोज ये है सन, ओके, एंड यहाँ हम बनाएंगे, ये है डेजर्ट की लैंड विच इज कवर्ड विद सैंड, ये है डेजर्ट का सरफेस, ओके। अब हम दोनों टाइम को कंसिडर करेंगे, हम डे टाइम भी कंसिडर करेंगे एंड वील ऑल्सो कंसिडर नाइट टाइम, बिकॉज क्यों, हमने देखा डे में द टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट में द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब ऐसा क्यों होता है, हम वही समझेंगे। क्या होता है, दिन में जो सन की जो रेज है वो सीधा लैंड पे पड़ती है और लैंड की जो एयर है वो काफ़ी हॉट हो जाती है, यानी काफ़ी गर्म हो जाती है। नॉट ओनली दिस, बिकॉज यहाँ पे सैंड है, कोई कॉन्क्रीट रोड नहीं है, डाम्बर की रोड नहीं है, जो हमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा था कि जब कोई कॉन्क्रीट की रोड होती है तो हीट जो है वो अर्थ के अंदर नहीं जा पाती, वो वापस इट रेडिएट्स द रोड जस्ट स्टोर्स द हीट एंड इट रेडिएट्स बैक, हमने ये पढ़ा था। बट यहाँ पे क्या है, सैंड है, कोई पक्की सड़क तो है नहीं, कोई कॉन्क्रीट की रोड तो है नहीं, तो ये जो सन की जो हीट है ये अर्थ के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाती है, यानी कि जो डेजर्ट का जो सरफेस है उसके अंदर तक घुस जाती है। एंड यहाँ पे जो मान लीजिए कोई रॉक्स हैं, तो ये रॉक्स भी दिन भर में जो पूरा दिन का टाइम होता है, पूरे दिन में गर्म हो के तप हो पूरा तप जाती है एकदम, इट गेट्स हीटेड अप। तो यहाँ का जो सरफेस लेवल है और जो रॉक्स हैं, दे कंटिन्यूसली रिलीज द हीट इन द एनवायरनमेंट, इन द एटमॉस्फेयर। पहले ये खुद गर्म होते हैं एंड देन दे स्टार्ट रेडिएटिंग देयर ओन हीट इन द एटमॉस्फेयर, प्लस जो सन की जो हीट होती है वो सैंड के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है, अंदर तक घुस जाती है, यानी कि जो डेजर्ट का जो सर्फेस है अंदर तक ये हीट जाके ट्रैप हो जाती है। तो ये तो हुआ दिन के बारे में, अब हम बात करेंगे नाइट टाइम की। तो दिस इज अ मून, ताकि हमें पता रहे हम नाइट टाइम की बात कर रहे हैं। तब नाइट टाइम पे क्या होता है, देखो दिन भर तक तो ये जो हीट होती है ये सरफेस में हीट स्टोर होती है, अब रात में क्या होता है, ये जो सैंड के अंदर जो हीट घुस गई होती है ये धीरे धीरे ऊपर रिलीज होती है, एंड बिकॉज इट इज हॉट एयर, ये जो हीट है वो ऑब्वियसली गर्म ही होगी, तो जो ऊपर की जो एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है। एंड हमने पढ़ा था हॉट एयर बहुत ही लाइट होती है, हॉट एयर बहुत ही लाइट होती है, इसलिए ये ऊपर की तरफ रिलीज होती है। अब हमने अभी अभी पढ़ा कि यहाँ पे जो सहारा डेजर्ट होते हैं यहाँ पे कोई क्लाउड्स नहीं होते, तो अब क्या होता है, ये जो हॉट एयर ऊपर रिलीज होती जाती है क्योंकि कोई क्लाउड का कवर नहीं होता, इस हीट को ट्रैप करने के लिए कोई बैरियर नहीं होता, तो क्या होता है, ये जो हीट है ये पूरे एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाती है, यानी पूरे एटमॉस्फेयर में घुल जाती है और एकदम से बहुत जल्दी रात के टाइम पे रिलीज हो जाती है। अब हमने पहले के चैप्टर्स में ये भी पढ़ा था कि जब हॉट एयर ऊपर राइज करती है तो आसपास की जो कोल्ड एयर होती है इट जस्ट क्विकली कम्स एंड टेक्स द प्लेस ऑफ हॉट एयर, और हमें ये भी पता है कि जो कोल्ड एयर होती है वो वेट में बहुत ज़्यादा हैवी होती है इसलिए वो राइज नहीं कर सकती, इट जस्ट सिंक्स डाउन, क्योंकि ये वेट में बहुत हैवी होती है। तो अब क्या होता है, हॉट एयर तो ऊपर की तरफ चली गई और कोई क्योंकि कोई क्लाउड का सरफेस नहीं है तो वो पूरे एयर में डिस्पर्स हो गई, राइट। बट जैसे ही हॉट एयर ऊपर गई और पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गई, हॉट एयर के ऊपर जाते ही जो आसपास की जो कोल्ड एयर है इट जस्ट कम्स एंड टेक्स द प्लेस ऑफ हॉट एयर। अब कोल्ड एयर के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये वजन में बहुत हैवी है जिसके कारण ये ऊपर राइज नहीं कर पाती, इसीलिए जो कोल्ड एयर है ये लैंड के आसपास ही होके रह जाती है। एंड इसके अलावा जो मून की जो कोल्डनेस है, हमें ये पता है कि सन इज वेरी हॉट वेयर एज मून इज कंपैरेटिवली वेरी कूल,
तो जो मून की जो कोल्डनेस है वो जो यहाँ पे जो सैंड है इट्स सैंड अगेंस्ट ट्रैप्स द कोल्डनेस एंड कोल्डनेस सैंड के अंदर तक ट्रैप हो जाती है और इतनी ट्रैप हो जाती है इतना ठंडक हो जाता है रात में दैट द टेम्परेचर डिप्स डाउन टू 0 degrees Celsius। तो आपको आई गेस क्लियर होगा कि डे टाइम पे 50 degrees Celsius कैसे होता है, क्योंकि जो सैंड है और जो रॉक है वो पूरे टाइम गर्म होके हीट रेडिएट करते हैं, बट जैसे ही रात का टाइम होता है ये जो हॉट एयर है ये रिलीज होके ऊपर जाने लगती है, एंड बिकॉज कोई क्लाउड का सरफेस नहीं होता है, कोई बैरियर नहीं होता है, तो ये जो हॉट एयर है ये पूरे एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाती है एंड दैट्स व्हेन द कोल्ड एयर सेट्स इन, एंड बिकॉज कोल्ड एयर हैवी होती है वेट में इट कैन नॉट राइज एंड इट जस्ट स्टेज नियर द लैंड, इट जस्ट सिंक्स डाउन टू द लैंड, एंड इसके कारण जो डेजर्ट का सर्फेस होता है वो रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो आई गेस टेम्परेचर पार्ट आपको क्लियर होगा, ये सैंड एंड बेयर रॉक रेडिएट हीट ये भी मैंने कवर कर लिया। नाउ मॉइस्चर इवेपोरेट्स फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स, इसका क्या मतलब है, हमने पहले वाले वीडियोस में देखा था कि मॉइस्चर क्या होता है। तो मॉइस्चर क्या होता है, एयर में जितने वाटर वेपर्स हैं जितने पानी इवेपोरेट हो रहा है उससे वाटर वेपर्स एटमोसफेयर में बनते हैं, और जितना ज़्यादा वाटर वेपर होगा उतना हम कहते हैं मॉइस्चर है एयर में, यानी कि एक नमी होती है एयर में, बट यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है कि वो वाटर वेपर इतनी जल्दी इवेपोरेट होता है कि जितना जल्दी वो बनता नहीं उससे ज्यादा तो वो पहले इवेपोरेट हो जाता है वो मॉइस्चर, इसलिए कहते हैं मॉइस्चर इवेपोरेट्स फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स, यानी कि जितना जल्दी वो बनते नहीं उससे जल्दी वो उड़ जाते हैं। तो दैट्स वॉट इट मीन्स। एंड नाउ वी टॉक अबाउट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ सहारा डेजर्ट। फ्लोरा मतलब यहाँ सहारा डेजर्ट में कौन से प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं, तो कैक्टस डेट पाम्स एंड एकेशिया आर द मोस्ट कॉमन फ्लोरा दैट इज फाउंड इन सहारा डेजर्ट। अगर हम फौना की बात करें यानी कि यहाँ पे कौन से एनिमल्स बहुत कॉमन होते हैं, तो कैमल हाइनास जैकल्स फॉक्स स्कॉर्पियन स्नेक्स एंड लिजर्ड, ये सारे एनिमल्स यहाँ पे बहुत ही कॉमन रूप से पाए जाते हैं। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है दैट इज ओएसिस। अब ओएसिस क्या होता है, ग्रीन आइलैंड विद डेट पाम सराउंडिंग दैट। हमें पता है एक आइलैंड क्या होता है जहाँ पे बीच में लैंड होती है एंड इट हैज वाटर ऑल अराउंड, बट ओएसिस में क्या होता है बीच में जो है वाटर होता है एंड इसके चारों तरफ जो है डेट पाम्स होते हैं, डेट पाम्स यानी खजूर के पेड़, लंबे लंबे खजूर के पेड़ उस पानी के चारों तरफ होते हैं और उसे हम कहते हैं ओएसिस। इसको हम और अच्छे से समझेंगे अब, तो ओएसिस बनते कैसे हैं, तो ओएसिस बनते हैं डिप्रेशन आर फॉर्म्ड, डिप्रेशन यानी बड़े बड़े गड्ढे, डिप्रेशन आर फॉर्म्ड व्हेन विंड ब्लो अवे द सैंड एंड इन दीज डिप्रेशन व्हेन अंडरग्राउंड वाटर रीचेस द सर्फेस ओएसिस इज फॉर्म। मतलब क्या होता है, जब डेजर्ट में बहुत तेज हवाएं चलती है तो जो यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, यानी कि सैंड एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल तो कर जाती है बट जहाँ से सैंड उड़ी थी वहाँ की सारी सैंड तो ट्रैवल होके किसी दूसरे जगह पे पहुँच गई राइट, तो वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन। ये डिप्रेशन में जब, और अब हमें ये भी पता है कि ग्राउंड के नीचे जो है वो पानी होता है, यानी कि हमारा जो ग्राउंड है इसके नीचे भी पानी की एक लेयर होती है, तो अब क्या होता है डिप्रेशंस तो बन जाते हैं डेजर्ट्स में, बट ये जब ग्राउंड वाटर यानी ग्राउंड वाटर लेवल जब बढ़ता 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 इन डिप्रेशन में जब ये ग्राउंड वाटर भर जाता है तो उसे हम कहते हैं ओएसिस, और ये ओएसिस के चारों तरफ जो है डेट पाम्स होते हैं यानी कि खजूर के पेड़ होते हैं जो आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। ये जो ओएसिस है ये बहुत ही फर्टाइल लैंड होती है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे रिच मिनरल्स होते हैं, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सूटेबल लैंड होती है, एंड जो सहारा में जो ओएसिस होते हैं और जो इजिप्ट में जो नाइल वैली है यहाँ पे क्या है बहुत सारे लोग आके बस गए हैं। क्यों बस गए हैं, तो आपने एक हिस्ट्री में भी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि पहले के टाइम पे जो होता था जहाँ भी आसपास कहीं पानी होता था तो लोग आके अपने घर वगैरह वहीं बना लेते थे इन सर्च ऑफ वाटर, बिकॉज वाटर के पास अगर घर होगा तो बहुत कन्वीनियंट होगा।
तो वैसे ही सहारा में और इजिप्ट में लोगों ने ये जो ओएसिस है और जो नाइल वैली है वहां पे आके अपने सेटलमेंट्स बसा लिए हैं, यानी कि अपने घर बसा लिए हैं। सिंस वाटर इज अवेलेबल पीपल ग्रो डेट पाम्स, यानी कि खजूर के जो पेड़ हैं ये ओएसिस के चारों तरफ, यहाँ पे जो लोग हैं सहारा के ओएसिस में और इजिप्ट की नाइल वैली में ये डेट पाम्स उगाते हैं। और अगर मैं क्रॉप्स की बात करूँ तो ये राइस, वीट, बार्ले एंड बीन्स उगाते हैं, यानी कि ये बहुत वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं। और बिकॉज पानी अवेलेबल है तो दे कैन ग्रो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। और ये जो राइस है इन पर्टिकुलर, ये बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है। तो ये जो ओएसिस के पास जितने भी लोग होते हैं वो डेट पाम्स उगाते हैं और ये सारी क्रॉप्स उगाते हैं, क्यों? क्योंकि पानी अवेलेबल है। वहीं इजिप्ट में एक कॉटन होती है, रुई होती है, जिसको कहते हैं इजिप्शियन कॉटन, एंड ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये इतनी इसकी क्वालिटी अच्छी होती है इजिप्शियन कॉटन की कि ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुकी है एंड पूरे वर्ल्ड वाइड इसका एक्सपोर्ट होता है। सो आई थिंक ओएसिस कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, कैसे उसमें पानी आता है, आई थिंक वो आपको क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे सहारा डेजर्ट के लोगों की। सो सहारा डेजर्ट में दो नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं। नोमैडिक ट्राइब्स का मतलब होता है, पहले तो हम ये समझेंगे नोमैडिक ट्राइब्स होते क्या हैं। सो ऐसी एक कम्युनिटी, ऐसे एक ग्रुप ऑफ पीपल हु डजंट हैव अ परमानेंट लोकेशन, यानी ये एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते रहते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं होता। जे जस्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसे लोगों को, ऐसी कम्युनिटी को हम कहते हैं नोमैडिक ट्राइब्स। तो सहारा डेजर्ट में ऐसी दो कम्युनिटीज रहती हैं, पहली बेडोइंस एंड दूसरी टुआरेक्स। ये जो कम्युनिटीज होती हैं दे हैव लाइव स्टॉक, यानी कि दे हैव सर्टेन डोमेस्टिक एनिमल्स, दे लुक आफ्टर दोज एनिमल्स, दे टेक केयर ऑफ दोज एनिमल्स एंड दे यू नो गिव देम फूड, एकदम अच्छे से उन एनिमल्स को, उस लाइफ स्टॉक को पालते हैं। अब ये इन लाइफ स्टॉक में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, तो गोट्स आती हैं, शीप्स आती हैं, कैमल्स आते हैं, ये सारे जो है ये लाइफ स्टॉक कहलाते हैं एंड दीज टू कम्युनिटीज लुक आफ्टर दीज लाइफ स्टॉक। अब दीज कम्युनिटीज लुक आफ्टर द लाइफ स्टॉक, बट ये जो एनिमल्स हैं गोट, शीप, कैमल्स, इनसे इन कम्युनिटीज को बहुत फायदा भी होता है। कैसे फायदा होता है? अब जो गोट है वो दूध देती है, उस मिल्क से को ये लोग बेचते हैं या उसके मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कैमल के हाइड से लोग लेदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और जो शीप और गोट है उनके जो बाल होते हैं इनसे दे मेक मैट्स, कारपेट, क्लॉथ, ब्लैंकेट, एंड देन ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये जाके मार्केट में सेल कर देते हैं ये दो कम्युनिटीज, ये जो दो नोमैडिक ट्राइब्स। तो इस वे में इट्स अ काइंड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। The Bedouins and Tuaregs look after their animals and in return the animals provide them with these things, जिससे Bedouins and Tuaregs earn their living. उसके अलावा अब अगर मैं पहनावे की बात करूँ कि ये जो लोग हैं, ये जो ट्राइब्स हैं, किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, तो they wear very heavy robes, बहुत भारी कपड़े पहनते हैं। क्यों? Because desert है, desert में wind होती है, बहुत हवाएं चलती है और जो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा बहुत हाई स्पीड पे होती है, तो डस्ट और हॉट विंड यानी गर्म हवाओं से अपने आप को बचाने के लिए ये लोग बहुत हैवी कपड़े पहनते हैं। एंड इवन अगर आप ये फोटो में देखेंगे तो ये जो टर्बन टाइप का है इट इज़ अ वेरी हैवी हेड कवरिंग बिकॉज दे काइंड ऑफ प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द डस्ट एंड द हॉट विंड्स थ्रू दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स। तो आई होप आपको सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फौना एंड पीपल, किस टाइप के पीपल होते हैं, कौन कौन यहाँ रहते हैं, सब क्लियर होंगे। नाउ वी टॉक अबाउट मिनरल्स। हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा था कि मिनरल्स क्या होते हैं। सो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ केमिकल कॉम्पोजिशंस होते हैं। तो ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस को हम मिनरल्स कहते हैं। अब सहारा डेजर्ट में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज ऑयल, यानी कि ये जो सहारा में जो ऑयल मिलता है ये पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इसकी डिमांड होती है और ये सारा के सारा ऑयल सहारा डेजर्ट में से जाता है। सहारा डेजर्ट हैज क्वाइट ह्यूज ऑयल रिफाइनरीज, और ये ऑयल रिफाइनरीज कहाँ पर है? ये अल्जीरिया में है, ये मेनली लिबिया में है और ये इजिप्ट में भी है। सो सहारा डेजर्ट हैज द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल मिनरल।
अब हम अगर अदर मिनरल्स की बात करें, यानी कि ऑयल के अलावा जो मिनरल्स हैं, तो सहारा डेजर्ट में ऑयल के अलावा आयरन मिलता है, फॉस्फरस है, मैग्नीज है, यूरेनियम है। तो ये कुछ मिनरल्स हैं जो हमें सहारा डेजर्ट से मिलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द चेंजिंग कल्चर ऑफ सहारा, यानी कि क्या सहारा का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशनल इतने सालों से एक जो कल्चर चला आ रहा है, आज वो कल्चर चेंज हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो पहले जो कैमल के ट्रैक्स थे, आज वहां पे सुपर हाईवेज बन गए हैं। जो एक प्लेन सरफेस था, आज वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, वहां पे ग्लास के ऑफिसेस बन रहे हैं, यानी कांच के बड़े बड़े बिल्डिंग्स वाले ऑफिस बन रहे हैं। जहाँ पे एक टाइम पे कैमल के थ्रू ट्रैवल करते थे लोग, वहां पे आज ट्रक्स चलने लग गए हैं। और जो नोमैडिक हर्ड्समैन थे, यानी जो जिनका कोई एक परमानेंट ठिकाना नहीं था, दोज हु यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हैव स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स द सिटी, क्योंकि सिटी में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है। एक जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऑब्वियसली शहरों का बेटर है एज कम्पेयर टू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। तो जो नोमैडिक पीपल है, दे आर मूविंग मोर एंड मोर टू दीज ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस, इन टाइप की जॉब्स में वो लोग जा रहे हैं, बिकॉज दीज काइंड ऑफ जॉब्स ऑफर्स अ बेटर लिविंग। तो इसलिए जो है वो लोग जा रहे हैं, शहर की तरफ जा रहे हैं, गांवों को छोड़ के जा रहे हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट लद्दाख डेजर्ट। लद्दाख डेजर्ट, जैसे कि मैंने बताया था, इट इज अ कोल्ड डेजर्ट। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, दैट्स वाई इसको कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है एंड ये इंडिया का ही एक डेजर्ट है। तो अब हम देखेंगे लद्दाख डेजर्ट के बारे में हम और जानेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि लद्दाख डेजर्ट की लोकेशन क्या है। तो लद्दाख डेजर्ट जो है, इट इज ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर जम्मू एंड कश्मीर ये है, तो इसकी ईस्टर्न साइड पे इज लद्दाख। इट इज विद इन द माउंटेन रेंज काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड जंस्कर माउंटेन रेंज इन द साउथ। यानी कि जो काराकोरम रेंज है वो इस जगह पे कहीं पे है, दिस इज नॉर्थ में इज काराकोरम, काराकोरम एंड साउथ में जो है जंस्कर। जो जंस्कर माउंटेन रेंज जो है वो यहाँ पे है, क्लियर। अब ये जो लद्दाख का जो एरिया है, अगर आप देखेंगे तो दैट इज बिटवीन काराकोरम ऑन द नॉर्थ एंड जंस्कर ऑन द साउथ, राइट। अब अगर हम रिवर और ग्लेशियर्स की बात करें, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जिसको कहते हैं इंडस रिवर, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है जिसका नाम है गांगरी ग्लेशियर। अब अगर मैं लद्दाख के डेजर्ट की हाइट की बात करूँ, यानी कि ऑल्टीट्यूड की बात करूँ कि ये कितने हाइट पे है, तो आप ये समझो कि कारगिल एरिया पे इसकी हाइट है 3000 मीटर, और काराकोरम एरिया पे अगर बात करें तो इसकी हाइट है 8000 मीटर। यानी कि यहाँ पे जो हाइट है, इट इज अराउंड समवेयर माउंटेन्स की हाइट आर 8000 मीटर, और कारगिल पे द हाइट इज 3000 मीटर। इससे हमें पता चलता है कि कितने ज्यादा, कितना इसका ऑल्टीट्यूड है। अब हम बात करेंगे लद्दाख की कैपिटल की, विच इज ले। यानी कि ये जो कैपिटल है, ये लद्दाख की कैपिटल है और इसका नाम है ले। नाउ ले इज वेरी वेल कनेक्टेड विद बोथ रोड एंड एयर, यानी कि आप रोड के थ्रू भी ले तक पहुंच सकते हैं, एंड आप प्लेन के थ्रू भी बाय द मोड ऑफ एयर भी आप ले में पहुंच सकते हो। इट्स वेरी वेल कनेक्टेड, ले में एयरपोर्ट्स हैं एज वेल एज काफी अच्छी रोड्स हैं। नाउ ये जो ले है, इट इज कनेक्टेड टू कश्मीर, यानी कि ये ले है, ये एक नेशनल हाईवे के थ्रू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, एंड ये यू हैव टू गो थ्रू अ पास जिसको कहते हैं जॉर्जिला पास। तो देयर इज अ नेशनल हाईवे 1A, दिस नेशनल हाईवे कनेक्ट्स ले टू कश्मीर थ्रू अ पास जिसको कहते हैं जॉर्जिला पास। यानी ले जो है वो कश्मीर से जुड़ा हुआ है नेशनल हाईवे 1A से, और इस नेशनल हाईवे 1A के अंदर एक पास है जिसको कहते हैं जॉर्जिला पास। अब लद्दाख जो है और जो लेह है, ये इतना सुंदर है, ये इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ को
या लद्दाख को घूमने के लिए. सो लद्दाख इज सो ब्यूटिफुल दैट इट इज अ टूरिज्म पैक्ड एरिया, इट इज अ टूरिज्म पैक्ड रीजन. यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो अक्रॉस द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में से लद्दाख घूमने के लिए आते हैं. सो यहाँ की जो मेजर एक्टिविटी है दैट डिपेंड्स अपॉन टूरिज्म. अब अगर मैं लद्दाख के क्लाइमेट की बात करूं तो हमें ये पता है इट इज़ वेरी ऑन अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई पे है, बहुत हाइट पे है, इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. प्लस इट इज़ वेरी ड्राई ऑल्सो, ड्राई इसलिए क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है. क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है तो अगेन यहाँ पे जो वेजिटेशन है, जो अब हम आगे फ्लोरा एंड फौना में देखेंगे, वो भी बहुत कम होती है. सो लद्दाख का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड एंड ड्राई है. याद करिए सहारा का जो क्लाइमेट था दैट वाज हॉट एंड ड्राई, बारिश वहां पे भी नहीं होती थी, ड्राई इसलिए है और बहुत हाई टेम्परेचर होता था इसलिए हॉट एंड ड्राई. अगर हम लद्दाख की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर इज कोल्ड एंड ड्राई, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, प्लस यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है इसलिए इट इज अ ड्राई रीजन. अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो समर्स में यहाँ का टेम्परेचर होता है, दिन में जो टेम्परेचर होता है दैट इज 0 degree Celsius. याद कीजिए सहारा डेजर्ट में तो रात को 0 degree Celsius होता था, यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है कि दिन के टाइम पे ही 0 degree Celsius है, वो भी कब, समर्स के अंदर, गर्मियों के अंदर 0 degree Celsius दिन में टेम्परेचर रहता है और नाइट में तो फिर ऑब्वियसली और गिरेगा. सो -30 degree Celsius तक नाइट का टेम्परेचर होता है. और अगर मैं विंटर्स की बात करूँ तो इट गोज डाउन टू -40 degree Celsius एंड इन -40 degree Celsius ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम -40 degree Celsius ही रहता है विंटर के टाइम पे. अब यहाँ पे जो है बिकॉज लद्दाख इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे है, इतनी ज़्यादा हाइट पे है, तो यहाँ पे जो एयर है वो काफ़ी थिन होती है, काफ़ी पतली होती है. एंड इनफैक्ट दैट इज़ द रीज़न जब कोई दूसरे स्टेट से या दूसरी कंट्री से कोई टूरिस्ट लद्दाख जाता है तो दे आर एडवाइज टू स्टे एटलीस्ट 1 to 2 days इन द होटल रूम ओनली, ताकि जो हमारी बॉडी है वो अकस्टम हो जाए इस थिन एयर के कारण, ताकि हमें ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, ताकि ये जो यहाँ का जो प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी यू नो एडजस्ट कर ले, इसलिए रूम में 1-2 दिन रहने को कहते हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो. क्यों? बिकॉज लद्दाख में बहुत थिन एयर है, बहुत पतली एयर है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हाइट पे है और इसके कारण यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, एकदम फ्रीजिंग कोल्ड होता है. और यहाँ पे जो थोड़ी बहुत भी सनलाइट अगर आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा बर्निंग हॉट सनलाइट होती है, एकदम चुभती है वो, इतनी गर्म सनलाइट लगती है. क्यों? क्योंकि यहाँ जो एयर है वो बहुत थिन है, इट हैज़ थिन हेयर एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, तो इसलिए जो सनलाइट होती है वो बहुत एकदम पेनीट्रेटिंग लगती है, एकदम बहुत हॉट, बर्निंग हॉट होती है. और यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं भी कभी कभी चलती हैं. सो दैट्स अबाउट द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख. अब अगर मैं यहाँ की फ्लोरा एंड फौना की बात करूँ तो फ्लोरा जो है यानी कि प्लांट्स एंड ट्रीज, तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे बहुत ड्राई रीजन होता है, यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, यहाँ पे बहुत एरिडिटी बहुत हाई होती है. एरिडिटी का मतलब होता है ड्राइनेस, यानी कि यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है. एंड बिकॉज यहाँ पे कम रेनफॉल होती है तो जो वेजिटेशन है यानी कि जो प्लांट्स हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ये भी बहुत कम होते हैं, स्पार्स वेजिटेशन होती है. फिर भी जो थोड़े बहुत भी यहाँ पे प्लांट्स एंड ट्रीज पाए जाते हैं तो वो क्या क्या होते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी ग्रास होती है, श्रब्स होते हैं, यहाँ विलो ग्रोव्स होते हैं, यहाँ पॉपुलर्स होते हैं, और समर्स में एप्पल ट्रीज, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट ट्रीज ऑल्सो ब्लूम. तो ये बात हुई फ्लोरा की. देखिए बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़े जो नाम है ये आपको याद ही करने पड़ेंगे कि कौन सी फ्लोरा और कौन सी फौना लद्दाख डेजर्ट में है, कौन सी सहारा डेजर्ट में मिलते हैं, तो ये थोड़ा आपको याद, थोड़ा मेमोराइज ही करना पड़ेगा. यहाँ जो बर्ड्स हैं जो यहाँ पे कॉमनली पाई जाती हैं वो बर्ड्स हैं रॉबिन्स, रेड स्टार्स, टिबेटन स्नोकॉक, ये कुछ एक्सक्लूसिव बर्ड्स हैं जो लद्दाख रीजन में ही पाई जाती हैं.
एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट एनिमल्स, तो अगेन यहाँ पे भी वाइल्ड गोट्स होती हैं, यहाँ पे शीप होती है, यहाँ पे वाइल्ड डॉग्स होते हैं, यहाँ पे याक भी होती है. याक इज बेसिकली एक वाइल्ड बफलोज का भी एक थोड़ा एडवांस वर्जन हम कह सकते हैं याक को. एंड इन एनिमल्स से यहाँ पे लद्दाख में जो लोग रहते हैं, जिनकी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो ये जो एनिमल्स हैं ये उनको बहुत बेनिफिट करते हैं. तो लाइक जो गोट और शीप है उनके जो बाल होते हैं उससे वुलन क्लोथ्स बनते हैं, जो याक होती है वो दूध देती है, इस मिल्क से जो है बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे चीज़ हो गया, बटर हो गया. तो ये एनिमल वहाँ के लोगों की भी बहुत हेल्प करते हैं. और लोगों की बात है तो अब हमें लद्दाख के जो पीपल है, यानी कि जो वहाँ कम्युनिटी, जो पॉपुलेशन है, वो कौन है, क्या करती है, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो लद्दाख डेजर्ट इज लार्जली इनहैबिटेड बाय टू कम्युनिटीज, दैट इज मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट. यहाँ पे मेनली दो कम्युनिटीज रहती हैं, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट. इनफैक्ट लद्दाख में बहुत फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी हैं, जैसे कि हेमिस्ट है, थिक्से है, शे है, लामायुरू है. तो ये जो मोनास्ट्रीज हैं ये बहुत वर्ल्ड फेमस हैं, दूर दूर से लोग इन मोनास्ट्रीज को देखने के लिए आते हैं लद्दाख में. अब अगर मैं जो यहाँ के लोग क्या टाइप की कल्टीवेशन करते हैं, किस टाइप की क्रॉप्स उगाते हैं उनकी बात करूँ, तो जो समर्स में है, जब यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर दिन के टाइम में होता है, समर्स में यहाँ के लोग बार्ले ग्रो करते हैं, पोटैटोज ग्रो करते हैं, पीस ग्रो करते हैं, बीन्स ग्रो करते हैं. और अगर मैं विंटर्स की बात करूँ तो विंटर्स में क्या होता है, हमने पढ़ा यहाँ का टेम्परेचर बहुत बहुत ज़्यादा ठंड होती है, -40 डिग्री हो जाता है, एकदम जमाने वाली ठंड हो जाती है. तो यहाँ पे ऐसे विंटर्स के टाइम पे यहाँ के लोग क्या करते हैं, दे एंगेज देमसेल्व्स इन फेस्टिवल्स एंड कम्युनिटीज. मतलब विंटर्स के टाइम पे वो लोग ज़्यादा कुछ ग्रो नहीं करते, कुछ कल्टिवेट नहीं करते, विंटर्स के टाइम पे दे जस्ट एंजॉय देयर फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज, दे जस्ट एंजॉय देयर लाइफ. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, लद्दाख की जो विमेन है, यानी कि जो लद्दाख की औरतें हैं, वो एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग होती है, बहुत ज़्यादा मेहनती होती है. क्यों? क्योंकि ये जो विमेन है ये अपने घर को भी संभालती है, अपने फील्ड्स को भी संभालती है, अपने बिजनेस को भी संभालती है, अपने शॉप्स को भी संभालती है. सो एवरी विमेन इन लद्दाख लुक आफ्टर देयर हाउस, देयर चिल्ड्रन, देयर फील्ड, यानी कि जो वो क्रॉप्स ग्रो करती हैं उन फील्ड्स को भी ये लोग देखते हैं, ये लोग अपने बिजनेस को भी संभालती हैं, ये लोग अपने शॉप्स को भी संभालती हैं. सो दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग. सो दैट वॉज ऑल इन दिस चैप्टर, लाइफ इन द डेजर्ट. ये हमारा लास्ट चैप्टर था जो कम्प्लीट हो गया है. इस चैप्टर में हमने देखा कि डेजर्ट क्या होते हैं, कोल्ड डेजर्ट क्या होता है, हॉट डेजर्ट क्या होते हैं, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये सब हमने इस चैप्टर में कवर कर लिया है. अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ 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 put your queries in the comment section, just type them down and I'll be more than happy to answer all of your queries. आप please comment section में अपनी queries या जो भी आपको doubts हैं वो डाल सकते हैं. And now we'll be talking about Unacademy की free special class के features. तो अगर आप Unacademy की free special classes attend करते हैं, subscribe करते हैं, तो आपको real time interaction करने को मिलता है. किसके साथ? With the educators, जो top educators होते हैं, आप questions पूछ सकते हैं. Educators जो आपसे question पूछते हैं आप उनके answer कर सकते हैं. Plus एक poll leader board होता है जिसपे आप देख सकते हैं कि जो आपके साथ जो आपके जो friends हैं, classmates हैं, जो educator की class attend कर रहे हैं, वो क्या क्या सही आंसर दे रहे हैं, वो कितने गलत आंसर दे रहे हैं, या फिर आपने जो आंसर दिए वो कितने सही है और दूसरों के कितने गलत हैं. सो यू कैन बेसिकली कंपेयर योर परफॉर्मेंस विद योर फ्रेंड्स परफॉर्मेंस. तो ये इतने सारे फीचर्स होते हैं फ्री स्पेशल क्लासेस के. अब हम बात करेंगे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन फीचर्स की. तो अनअकैडमी के बहुत सारे फीचर्स होते हैं. आपको पहला जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो तो यही है कि यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस. इससे बड़ा एडवांटेज तो कोई हो ही नहीं सकता कि आप घर बैठे सारी अनअकैडमी की क्लासेस किसी भी टाइम पे देख सकते हैं. आपको
स्टडी मटेरियल देता है अन अकेडमी, आपके प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, एग्जॉस्टिव कवरेज होता है सिलेबस का, यू हैव रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ते हो. यस, द एजुकेटर्स विच आर हाईली क्वालिफाइड, एंड इंडिया के जो फाइनेस्ट एजुकेटर्स होते हैं आप उनसे सीधा पढ़ते हो. इसके अलावा अगर मैं अब अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग के प्राइसेस के बारे में देखूं, तो आपके स्क्रीन पे आपको बहुत सारे पैकेजेस दिख रहे हैं. 24 मंथ पैकेज, 18 मंथ, 15 मंथ, 12, 6 मंथ, इन सब के पैकेजेस हैं, उनकी रेट्स दे रखी हैं. तो अगर आपको सब्सक्राइब करना हो, सब्सक्रिप्शन प्लान लेना हो अन अकेडमी का, तो ये प्राइस है. प्लस आपको एक साइड पे एक और फोन जैसा दिख रहा है, जहाँ पे 10% ऑफ होने के बाद क्या प्राइस है वो दिख रहे हैं, यानी कि 938 रुपीज पर मंथ 10% ऑफ होने के बाद. फॉर 24 मंथ्स का अगर आप पैकेज लेते हो तो 938 रुपीज ही आपके पर मंथ लगते हैं. वैसे हर पैकेज का 18 मंथ्स का कितना लगेगा, 15 मंथ्स का आपका पर मंथ कितना लगेगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. और ये 10% आपको कैसे मिलेगा, जी हाँ, मेरा जो कोड है PJAIN10 उसको यूज करने से मिलेगा. सो आप अभी के अभी अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन को, सब्सक्रिप्शन जो प्लान है उसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको जो पैकेज कन्वीनियंट है उसको एनरोल कीजिए, एंड यूज माय कोड. अब हम बात करेंगे अन अकेडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की. एक है नॉर्मल सब्सक्रिप्शन जिसके इतने सारे फीचर्स अभी मैंने आपको बताए, और अब है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. यानी कि क्या है, जब हम किसी, इसको ऐसे समझिए, जब हम किसी प्लेन में ट्रैवल करते हैं, लेट्स से दिल्ली टू जयपुर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो एक होता है इकोनॉमिक क्लास, एक होता है बिजनेस क्लास. अब जो बिजनेस क्लास है उसके ऑब्वियसली थोड़े जो एडवांटेजेस, जो थोड़े कंफर्ट होते हैं, जो थोड़ी लग्जरी होती है, वो कंपैरेटिवली दूसरे क्लास के लोगों से, पैसेंजर से ज़्यादा होती है. जा दोनों एक ही डेस्टिनेशन पे रहे, वैसे ही अन अकेडमी का अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको थोड़े से बेनिफिट्स और ज़्यादा मिलते हैं. क्या क्या, आपको एक पर्सनल मेंटर अपॉइंट होगा जो आपको गाइड करेगा कैसे पढ़ना है, कब क्या क्या पढ़ना है. आपके लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे जिससे आप देख सकते हो कि आप अपने सारे एकेडमिक डाउट्स जो है वो लाइव क्लियर कर सकते हो. आपको वीकली रिपोर्ट मिलेगी अपने प्रोग्रेस की, कि इस पूरे वीक में आपने कैसा किया और कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो. प्लस एक पेरेंट और एजुकेटर का कनेक्ट होता है, जहाँ पे जो बच्चे हैं, बच्चों की जो प्रोग्रेस हो रही है वो हम एजुकेटर्स पेरेंट्स को बताते हैं कि वो कहाँ इम्प्रूव कर रहे हैं, वो कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी क्या प्रोग्रेस है. प्लस एक स्टडी प्लानर भी आपको मिलता है, जिसमें एक पूरा प्लान्ड होता है कि आपको किस दिन तक कौन सा सब्जेक्ट कैसे पूरा अच्छे से रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. इतने सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन सिर्फ आपको जो करना है वो है आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है वो लेना है. और अगेन जो प्राइस है वो स्क्रीन पर है, एक साइड पे नॉर्मल प्राइस है और दूसरे साइड पे 10% ऑफ होने के बाद जो प्राइस है अलग अलग पैकेजेस के, 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, वो सब आपकी स्क्रीन पे है. और अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, विच इज PJAIN10. और ये कहाँ करना है, अन अकेडमी के लर्नर्स ऐप पे जाना है आपको, और आपको जो कोर्स पढ़ना है और जो जिस भी टाइप का सब्सक्रिप्शन लेना है, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आप ले सकते हैं. बट डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड PJAIN10, जिससे आपको मिलेगा 10% ऑफ. जी हाँ, तो ये पूरा क्लियर है, ये चैप्टर कवर हो गया है. इसके साथ हमारा जो ज्योग्राफी का जो पूरा कोर्स है वो कवर हो जाता है 7th ग्रेड का. Thank you so much for watching this video till the end. Please, please, please like, share and subscribe to the An Academy channel. जब आप like करते हैं तो हमें और motivation मिलता है और to bring the best content to you, पूरा hard work put in करने के और motivation मिलता है. आपके जितने भी 7th standard में friends हैं जो ये subject पढ़ रहे हैं, या फिर कोई आपके cousins हैं या बड़े friends हैं जो you know 9th, 10th में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बट ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो उन्हें समझ नहीं आ रहे एंड दे वर टॉट इन 7th, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस जो हैं उनको भी शेयर कीजिए. प्लीज़ लाइक एंड शेयर आर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू द अन अकेडमी चैनल. हिट द बेल आइकन, बिकॉज व्हेन यू हिट द बेल आइकन यू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट दिस चैनल. सो टुगेदर यू एंड वी कैन क्रैक एनी एग्जाम. सो लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक ऑल द एग्जाम्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज
and thank you for watching it. Thank you so much.